हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी व्लॉग। आज है 31st of December और बिकॉज कल न्यू ईयर है, आज रात से नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो साक्षी, चीकू और मैं, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ही ज्यादा ठंड है बाहर, थोड़ा सा भी हम बाहर गए थे कुछ ऐसे ही टहलने के लिए और शॉपिंग करने के लिए, पर अभी हम घर आ गए हैं और हमारा प्लान यही है कि रात में हम 31st और नए साल का स्वागत घर पे आराम से सेलिब्रेट करेंगे। और उसके लिए चीकू और साक्षी ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और बहुत ही कलरफुल और अच्छे अच्छे बलून्स, ये देखिए दिख रहा है, ऑलरेडी सजाना स्टार्ट कर दिए हैं और काम पे लग चुके हैं दोनों लोग और मैं भी। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करते हैं और आगे भी दिखाएंगे क्या क्या करेंगे, हम मस्ती करेंगे साथ में। और स्पेशल केक भी ऑर्डर किया है आज जो हम रात में काटेंगे, फिलहाल आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। हेलो, देखिए एक्साइटमेंट देखिए आप, बलून फुलाए जा रहे हैं। चीकू, चीकू व्हाट्सअप, व्हाट्सअप चीकू, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। हार्ट शेप बलून भी, ओके। देखिए बहुत ही अलग अलग कलर के मेटालिक बलून हमने लिए, बहुत ही सुंदर की ऑरेंज कलर का, बहुत ही ब्राइट कलर का, ये देखिए ना। और ये बड़ा सा था, बहुत ही बड़ा साइज था और ये फट गया है तो दुख हुआ है, बट क्या कर सकते हैं। चीकू को बहुत मजा आ रहा है और हमने इसको ऐसे हम बंच करके फैन में लगा रहे हैं क्योंकि अभी फैन चलाना नहीं होता है। और चीकू जब भी यहाँ सोएगा तो देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, कुछ टाइम तक रहेगा भी। अरे अरे चीकू 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 बात करना चाहता है, तो एक सेकेंड। तो चीकू काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको जो है बात करनी थी, है ना चीकू, गोदी में आना चाह रहा था, उसको क्लोजली आप लोगों से कुछ बात करनी थी। चीकू बोलो 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 बोलो, पापा पापा मम्मा 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 मम्मा, ये क्या था ये क्या था। एनीवेज चीकू बोलो मम्मा मम्मा चीकू मम्मा 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 या पापा 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 मम्मा या पापा या अब्बा 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 बोलो। शर्मा रहे हो क्या, शर्मा रहे हो क्या, शर्म आ रही है, कैमरा शाय, कैमरा शाय हो रहे हो क्या, देखो इंतजाम हो रहा है तुम्हारे लिए। चीकू का फर्स्ट न्यू ईयर, पहला न्यू ईयर, लास्ट ईयर न्यू ईयर तो थे ही नहीं, हम थे ही नहीं। और चीकू का फर्स्ट बर्थडे भी आने वाला है, चीकू का फर्स्ट न्यू ईयर भी है ना। चलो बाकी की प्रिपरेशन करते हैं जरा। तो गाइस फाइनली हमने बलून्स वगैरह लगा दिए हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए बलून्स, बहुत सारे बलून हमने लगाए हैं और सीलिंग पे लगा दिए हैं पंखे पे। और अब लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने लाइट्स थोड़ी से लगा दिए हैं, इसमें ही लपेट दिए, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है लाइट बंद होने के बाद, है ना चीकू। चीकू ऊपर देख रहा है, चीकू को बहुत मजे आ रहे हैं और कलरफुल मेटालिक बलून्स हैं अलग अलग साइज के ना। अरे अरे अरे, तो मैं बता रहा था कि अलग अलग साइजेस के हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने एक बंच बना दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर जब हम यहाँ पे लेटेंगे, ऊपर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्योंकि ठंडी का मौसम है, पंखे चल रहे नहीं है, तो इसलिए हमने इसीलिए जानबूझ के सब पंखों पे लगा दिया, क्योंकि ये बलून्स हैं ये कुछ टाइम तक सही सलामत बिल्कुल रहते हैं, लगभग एक महीने तक, तो ये ऐसे ही लगे रहेंगे और अच्छा लगेगा देखने में। और चीकू भी इंजॉय करेगा, है ना चीकू, है ना, क्या कर रहे हो, शर्मा गए चीकू, चीकू हे चीकू हे चीकू, बलून्स कैसे हैं, क्या बलून्स अच्छे हैं, क्या ये अच्छे बलून्स हैं। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोल रहा चीकू, फिलहाल काफी अच्छा लग रहा है। और इसी हमारा जो क्रिसमस न्यू ईयर डेकोरेशन जो था रूम का हमने कर दिया है, यहीं पे आज हम सेलिब्रेट करेंगे मस्त टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए। तो फ्रेंड्स केक ऑर्डर कर दिया है और आपको दिखा देते हैं, जब इसको खोलेंगे रात में तब इसकी शक्ल दिखाएंगे, अभी फिलहाल ऑर्डर करके आ चुका है। और ये है हमारा न्यू ईयर केक,
इसमें उनो कार्ड्स जो कि आज हमने दिन में खेला था, और कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं जेली बना रहा हूँ। ये जेली का पैकेट लिया था, फर्स्ट टाइम ये जेली बनाने जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली दो पाउच थे जिसको मैंने मिला दिया है, मिक्सचर था उसको मैंने मिला दिया है। और एज पर इंस्ट्रक्शन इसमें 3 कप पानी मैं उबाल रहा हूँ। अगर 3 कप पानी जब उबल जाएगा तो मैं वापस ये जो मिक्सचर मैंने किया हुआ इसमें मैं डालूंगा। ये आई थिंक कौन सा रेसबेरी फ्लेवर जेली है, तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, देखते हैं कि कैसा बनता है, कैसा आउटकम आता है। बॉइलिंग वाटर को मैंने, ये जो जेली मिक्सचर था, पाउडर मिक्सचर था, उसमें डाला है। और बिल्कुल ही गर्म पानी, मतलब बिल्कुल उबलता हुआ पानी था, उसको बस गैस बंद करके आधा मिनट मैंने रखा था, उसके बाद इसमें डाल दिया है। और इसको तब तक हिलाना है जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता ठीक से। एक बार को ये मिक्स हो गया तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए, 40-45 मिनट्स के लिए, जब तक एकदम अच्छे से ठंडा ना हो जाए। ठंडी का मौसम है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको रेफ्रिजरेट कर देना है, तो ये अच्छे से जेली के फॉर्म में हो जाएगा। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसको बस इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज। गाइस, हमने ये जो है जो जेली था इसको बाउल से फ्लैट बर्तन में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि साक्षी ने सजेस्ट किया कि बाउल में नहीं करके ऐसे करेंगे तो ये जब सेट हो जाएगा तो उसको काट सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं। तो 12 बजने में अभी भी थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा कि अब डिनर कर लेते हैं। और डिनर के लिए हमने बाहर से कुछ खाना मंगाया था, बहुत ही टेस्टी यम्मी फूड, तो वो खा के, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी। 12 बजने से पहले हमें साल को विदा करना था डांस करते हुए। और ये देखिए, बस हम स्टार्ट हो चुके हैं, डांस फ्लोर ओपन है। बस 12 बजने ही वाले हैं, 1-2 मिनट बचे हुए हैं, तो टाइम था केक काटने का। केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक इस बार मंगाया था बहुत ही ज़्यादा समय के बाद, तो नया साल का शुरुआत हम केक काटते हुए करेंगे। और देखिए, कैंडल्स जलाते ही कैंडल्स बुझ गई, दोबारा से कैंडल जलाएंगे। और ये देखिए, चीकू भी विराजमान हो गए हैं अपने फर्स्ट न्यू ईयर का स्वागत करने के लिए। Yeah.
गाइस केक कट गया है और जेली भी हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, एक बार तोड़ने से पहले देख लेते हैं नए साल में सबसे पहले की जेली कैसी बनी है हमारी। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये है जेली, ये पूरी तरह से सेट हो गई है। इसको मैं काट के देखता हूँ कि कैसा होता है। वाओ, ये तो बिल्कुल ये भी जली होती है ना, वैसा जमा है पूरा। ये देखिए, बिल्कुल जली जैसे बाजार में मिलती है वैसी। इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। टेस्ट में भी काफी अच्छा जैसे होता है वैसे ही जली, जैसे मतलब ऑब्वियसली जैसे जली होती है वैसे ही है। स्वीट ठीक है, मतलब ज्यादा स्वीट नहीं है बट इतना ही सही है। बहुत ज्यादा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो हम सब बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम घर में जली बनाई और बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसी के साथ एंड करते हैं हम आज का ये व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अब हम आपको मिलेंगे नए साल के व्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बाय।